पित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पग बंधन किए ना सतवीर मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा इनका मान भले पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान के प्रेम करने की रीत है, प्रभु के भक्तों से प्रेम करने की रीत कुछ ऐसी है जैसे एक माँ होती है बच्चे का हर तरीके से ख्याल रखती है। माँ की कभी इच्छा नहीं होती वो अपने बच्चे को कष्ट दे, रुलाए या उसके रोने का भ्रष्ट होने का कारण माँ बने, ऐसा नहीं चाहता। पर अगर खिलौना समझ के और बच्चा अग्नि को पकड़ना चाहे, कोई विष दंश सर्प बिच्छू इस प्रकार के कोई अनिष्टकारी जानवर को पकड़ना चाहे, तो समझना इस भजन के माध्यम से मैं वीर हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ और भक्ति के शिरोमणि वीर हनुमान कृपा करें हम पर भी, हमको कुछ भक्ति का अंश हमारे हृदय में उदित हो अंकुरित हो इस भावना के साथ। आइए बोली भक्त शिरोमणि वीर हनुमान जी महाराज की बोल, सच्चे दरबार की भक्त और भगवान की। सभी नहीं बोल रहे हैं और हाथ खड़े करके भी नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर इस भजन की पूर्णता है आप और हम मिलकर थोड़ा थोड़ा नाम संकीर्तन बीच में करते रहेंगे तभी इस भजन की पूर्णता होगी। जगत के ईश को प्रणाम बारंबार करते हैं ये अपने भक्तों से न जाने कितना प्रेम करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अगर आप चाहते हैं कि हमको आनंद आए और नींद नहीं आए और आप चाहते हैं कि हमारे कुछ एक दो रोग भी ठीक हो जाए या बैठे बैठे ताली बजाने से, तो सब मीठी मीठी ताली बजाते रहना और अपनी पवित्र जिव्या से
आप काले बहरे गूंगे नहीं है तो प्रमाण देना और सदुपयोग करना इन अंग प्रत्यंगों का कि हम प्रभु तेरी भक्ति में समर्पित करते हैं। और मीठी मीठी तालियों के साथ ये नाम संकीर्तन करते रहना, श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मंदाकिनी का तट मनोहारी सा एक उपवन लेके करताल हाथों में मगन थे केशरी नंदन उसी रस्ते ऋषि नारद बजाते वीणा आए थे पवन सुत को मगन देखा प्रेम के आंसू छाए थे ऋषि नारद ने बाह पकड़ी और बोले हे केशरी नंदन कि जिन ठाकुर की भक्ति में तुमने भूला है ये तन मन कि जिनकी याद में दुनिया ही सारी भूली जाती है जिनकी याद में दुनिया ही सारी भूली जाती है कभी भगवान को भी क्या तुम्हारी याद आती है श्रीमन नारायण अपने मुख से बोलिए ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 मेरे राम हुआ क्या सुनना जब विघ्न कीर्तन में नेत्र हनुमान ने खोले बड़ी विनम्रता से वो श्री नारद से यूं बोले कि तुम्हारा रोज ही वैकुंठ में आना और जाना है प्रभु को ध्यान कितना है ये तो तुमको बताना है। नारद जी ने बात ही ऐसी कह दी, बोले जिनकी भक्ति में रात दिन डूबे रहते हो दिनों दुनिया की तन मन की सुध विसारे, बोले हनुमान कभी सोचा कि और प्रभु को तुम्हारी कितनी याद रहती है कितनी खैर खबर रहती है। जाते रहते हैं समाचार सुनाते रहते हैं, आप ही कभी मालूम कर लेना पूछ लेना भगवान से।
जब वेदन कीर्तन में नेत्र हनुमान ने खोले, बड़ी विनम्रता से हो श्री नारद से यूं बोले कि तुम्हारा रोज ही वैकुंठ में आना और जाना है, प्रभु को ध्यान कितना है ये तो तुमको बताना है। और हाँ, मैं रास्ता बता देता हूँ इस बात को मालूम करने का। सुना है पास ठाकुर के पुराना एक वही खाता, जो भक्त हो उच्च कोटि का नाम वाहे लिखा जाता, कभी वैकुंठ जाओ तो तुम ही मालूम कर लेना। कभी वैकुंठ जाओ तो तुम ही मालूम कर लेना, प्रभु को ध्यान कितना है मुझे भी आकर बता देना। श्रीमन नारायण लॉ लग रही है ठीक। ऐसे वक्तों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। मिठाई के डब्बे का लोभ है ना उदय। श्रीमल नारायण नारायण